भाई लोगों को क्या लगता है आज काम होगा? फीलिंग नहीं आ रही है मुझे लगा तसल्ली के लिए बोल ही देंगे अब हमारे यहाँ अपने तीसरे नंबर पे हम ही होंगे हेलो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ आर यू ऑल्स आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अमेजिंग सो आज भी हम फिर से गए थे अपनी फाइल को लेकर मतलब फाइल का पता करने के लिए बेसिकली विधानसभा तो फिर मतलब वैसे तो बोला गया था मतलब जो बिजली बोर्ड वाले जितने भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं वो विधानसभा के पास आने के लिए उनको बुला रखा था आज के लिए तो हम कुछ 8 होने मेरे ख्याल से 8 या 10 लोग थे जो कि पहुंचे थे तो बस हमने सोचा आज मिशन पूरा करके ही जाते हैं तो पहले हमें बोला गया कि आप आइए 11 बजे तो हम 11 बजे पहुंच गए 11 से फिर 12 हमें किसी से मिलना था मतलब यही बिजली बोर्ड में एक सर उनसे मिलना था उन्होंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा चीजें सारी और डिस्कस करेंगे और फाइल का भी स्टेटस बताएंगे तो बस उनका वेट किया 11 से हुआ 12 12 से हुआ 1 1 से हुआ 2 2 से हुआ 3 उस बीच हमको भूख लगी थी तो हम चले गए चौड़ा मैदान जहां पर हमें सिर्फ यही मिल पाया कुरकेज एंड स्प्रिंग रोल और चाय पी के हमने काम चलाया भाई लोगों को क्या लगता है आज काम होगा फीलिंग नहीं आ रही है मुझे लगा तसल्ली के लिए बोल ही देंगे अपना ही दिल रखने के लिए दिल के आपको तो कोई तसल्ली नहीं आ रही फीलिंग रोज रोज मुंह उठा के विधानसभा आना ये भी एक टास्क हो चुका है हमारे लिए रोज अभी के लिए हमको मिला है 1 बजे का समय जिसने भी मिला था उन्होंने हमें 1 बजे बोला है तब 1 बज चुके हैं ना बज चुके हैं तो 1 बज चुके हैं 1:05 हो चुके हैं जो हमें बुला रहे हैं वो शायद टाइम पे पंक्चुअल नहीं है 11 बजे से उन्होंने 1 बजाया है फिर फोन पे बोला था 2 भी बज सकते हैं तो इन शॉर्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ 1-2 बजे तक हो जाए नहीं तो फिर वो 7 बजे के बाद चली जाएगी बारी कुछ होता है या नहीं होता है बस हम खा पी के दोबारा से रिंग शेल्टर में पहुंचे क्योंकि हमें कॉल आई थी अंडर सेक्रेटरी सर की मतलब बिजली बोर्ड वालों की ही मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है उनका स्टाफ और यूजुअली ना इतना कोई बात नहीं करता है बट वो इतने अच्छे से हमको समझा रहे इतने अच्छे से हमको कोऑपरेट कर रहे थे तो बस थोड़ा बहुत डिले हुआ बट स्टिल हमने आखिरी दम तक बैठे उन्होंने बोला आज जाना नहीं है तुमने आज हम काम कर कर ही रहेंगे तो वो सेक्रेटरीट से आए थे मतलब फाइल के कंटेक्स में सेक्रेटरीट जा रखे थे फिर वो आए सर उन्होंने हमारे साथ मीटिंग करी तो अगर मैं बात करूं कि आज का जो हमारा निष्कर्ष था तो निष्कर्ष इन द सेंस कि मतलब ऑलमोस्ट हमारा 90% काम हो चुका है सिर्फ 10% काम बचा है तो 10% भी 1-2 दिनों में हो जाएगा तो आपको एक अच्छी मतलब बिजली बोर्ड वालों की बात करूं मैं उन लोगों को एक अच्छी खबर मिल जाएगी 1-2 दिनों के अंदर अंदर ही अगर पॉसिबल हो अगर कुछ हुआ ऐसा तो हमें कल भी जाना पड़ेगा बट वैसे हमारा 90% काम हो चुका हुआ है एक्सपेक्ट कीजिए 1-2 दिन में कोई अच्छी सी गुड न्यूज आपको मिल जाए मतलब आज कल परसों कभी भी एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है ऐसा हमें लग रहा है बाकी देखते हैं क्या हो रहा है सबकी बातों से ऐसी फीलिंग आ रही है तो बस फिर हम मीटिंग करके उनके साथ हम अपने घर की तरफ को निकल गए सर ने कुछ फोटोज ली बोलते मुझे प्रेस के लिए चाहिए और हम फेमस हो चुके हैं फिलहाल के लिए सर आज के लिए इतना ही था मिलते हैं अगली वीडियो में।